गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, टुडे वी विल कंटिन्यू द चैप्टर नंबर 5, गुड हेल्थ. ओके, नाउ आज हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट. देखिए डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कैसे होता है हमारा. द क्लोथिंग एंड अदर आर्टिकल्स यूज्ड बाय अ सिक पर्सन कैरी जर्म्स. अगर कोई सिक पर्सन है तो उसके कपड़ों से या उसके आर्टिकल से भी हमें हमारे पास जर्म्स पहुंच सकते हैं. व्हेन अ हेल्दी पर्सन कम्स इन कॉन्टेक्ट विद दीज द जर्म्स में इंटर हिज और हर बॉडी. जब एक हेल्दी पर्सन उसको पहनता है तो उसमें क्या होता है, डायरेक्टली उसमें जर्म्स आ जाते हैं. ओके, द जर्म्स में इंटर हिज और हर बॉडी. तो इस तरह से जर्म्स उसकी बॉडी में आ जाते हैं. दीज जर्म्स देन कॉज डिजीजेस, और इन्हीं जर्म्स के कारण डिजीजेस मतलब बीमारियां होती हैं. चिकन पॉक्स, मीजल्स, रिंग वॉर्म, वूपिंग कफ एंड कॉमन कोल्ड आर द स्प्रेड बाय डायरेक्ट कॉन्टेक्ट. चिकन पॉक्स, मीजल्स, रिंग वॉर्म, वूपिंग कफ एंड कॉमन कोल्ड, ये बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आने से होती हैं. प्रिवेंशन ऑफ द कॉम्युनिकेबल डिजीजेस. अब देखिए सुरक्षा कैसी करनी चाहिए कॉम्युनिकेबल डिजीजेस से. कॉम्युनिकेबल डिजीजेस आर कॉन्टीजियस बट दे कैन बी प्रिवेंटेड इफ वी फॉलो सम बेसिक गाइडलाइंस. फर्स्ट इज हम लोग इससे सुरक्षित रह सकते हैं बट हमें कुछ गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए. कीप योर सेल्फ एंड योर सराउंडिंग क्लीन. हमें हमेशा अपने आप को साफ़ सुथरा रखना चाहिए और अपने चारों तरफ भी साफ़ सुथरा रखना चाहिए. ऑलवेज वॉश योर हैंड बिफोर ईटिंग एनी थिंग. और हमें हमेशा कुछ भी खाने के पहले अपना हैंड वॉश करना चाहिए. कीप द गार्बेज इन कवर्ड डस्टबिन. जो हमें कूड़ा होता है वो हमें कवर्ड डस्टबिन में ढक कर रखना चाहिए. द प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग योर सेल्फ एंड योर सराउंडिंग क्लीन इज कॉल्ड हाइजीन. ओके, जो हम लोग अपने चारों तरफ साफ सुथरा रखते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइजीन बोलते हैं. क्या बोलते हैं, हाइजीन बोलते हैं. यूज डिसइंफेक्टेंट्स इन द हाउस टू किल जर्म्स. हमेशा हम लोग को अपने घर में डिसइंफेक्टेंट्स रखने चाहिए जैसे कि फिनाइल, ओके, एसिड आदि. बाथरूम मस्ट बी क्लीन्ड रेगुलरली विथ डिसइंफेक्टेंट्स एंड कैप्ट ड्राई बिकॉज जर्म्स मे ब्रीड इन डैम्स एंड डार्क प्लेसेस. बाथरूम को हमेशा हमें रेगुलरली साफ करना चाहिए डिसइंफेक्टेंट्स के साथ, जैसे कि आपके घर में फिनाइल वगैरह रखा होता है उससे. और क्योंकि डार्क प्लेसेस पे या डैम प्लेसेस पे ये जर्म्स जो होते हैं ये अपनी ब्रीडिंग करने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं. द किचन शुड ऑल्सो बी कैप्ट ड्राई एंड क्लीन. हमें किचन को भी साफ सुथरा और सूखा हुआ रखना चाहिए. ओके, लेट सफिशियंट एयर एंड सनलाइट इंटर योर हाउस. सनलाइट इज़ अ नेचुरल डिसइंफेक्टेंट्स. हाँ, हमें अपने घर में सफिशियंट एयर और सनलाइट को आने देना चाहिए क्योंकि सनलाइट जो होती है वो हमारा नेचुरल डिसइंफेक्टेंट्स है. ओके, इससे जर्म्स क्या होते हैं, सूरज की गर्मी से जर्म्स क्या होते हैं, मरते हैं. नाउ कीप ऑल बेड लाइनन मैट्रस एंड अपहोल्स्ट्री क्लीन टू अवॉइड द ग्रोथ ऑफ जर्म्स. हमें हमेशा सारे बेड मैट्रस और जो हमें हमेशा सारे बेड को, मैट्रस को और भी जो चीज़ें हमारे घर में होती हैं उन्हें साफ़ सुथरा रखना चाहिए. मतलब हमेशा हमेशा बेड शीट वगैरह मैट्रेस वगैरह साफ़ सुथरी रखनी चाहिए. साफ़ सुथरा मतलब चेंज करते रहना चाहिए जिससे कि जर्म्स उसमें ना बैठ सकें. स्टोर वाटर इन क्लीन कवर्ड कंटेनर्स. बॉइल और प्यूरीफाइड ड्रिंकिंग वाटर. अ वाटर प्यूरीफाई क्लीन द वाटर. हमें हमेशा साफ वाटर को स्टोर करना चाहिए कवर्ड और कंटेनर में, उसको कवर करके रखना चाहिए.
अगर आपको ड्रिंकिंग वाटर प्योरीफाई चाहिए तो आप उसको बॉयल भी कर सकते हैं, बॉयल करके जो पानी होता है वो बिल्कुल साफ़ हो जाता है, ओके प्योरीफाई हो जाता है। अब वाटर प्योरीफायर क्लीन्स द वाटर, एक वो जो वाटर प्योरीफाई होता है वो वाटर को क्लीन रखता है, क्लीन करता है, ओके। नाउ इट हैज़ फिनिश्ड एंड टुडेज योर वर्क इज़ वॉच योर वीडियो एंड एवरीबडी रीड द चैप्टर अकॉर्डिंग टू मी।